भाइयों बहनों, मेरे पढ़े लिखे नौजवान हो, इसलिए आज मैं दिन की बात बताना चाहता हूं। मैं तो आमतौर पर मैं न्याय की प्रतीक्षा में हमेशा इंतजार करता रहा, सच्चाई के रास्ते को अपनाते हुए गुजरात की सेवा कर रहा। लेकिन आज मुझे पहली बार सार्वजनिक रूप से गुजरात की जनता के और देश की जनता के बात पहुंचानी है। ये जो कहते हैं गुजरात को बदनाम करने के लिए, और इसलिए केसेस को गुजरात की अदालतों से गुजरात के बाहर ले जाने का एक बड़ा हवा खड़ा किया जाता है, ताकि गुजरात बदनाम हो, गुजरात सरकार बदनाम हो, गुजरात पुलिस बदनाम हो। 8 साल से लगे हैं मोदी को बदनाम करने में, 8 साल से लगे हैं गुजरात सरकार को बदनाम करने में, वो गुजरात पुलिस को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने हमला बोला है न्यायपालिका पर, और तब जाकर के मेरा खून खौलता है दोस्तों। मुझ पर वार कीजिए, मैं झेलने को तैयार हूं, लेकिन इन न्यायपालिकाओं पर वार मत कीजिए। क्या गुजरात के न्यायपालिका पर इतना बड़ा हमला? मैं घटना सुनाऊंगा, आपको पता चलेगा। बड़ौदा में बेस्ट बेकरी का कांड हुआ था 2002 में। उसके बाद कुछ लोगों ने हो हल्ला खड़ा किया, कुछ स्वार्थी तत्वों ने झूठ फैलाया, माहौल गर्माया गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच नहीं पाती थी, रास्ते में वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप दीवारों के खड़े हो जाते थे, और तय हुआ कि गुजरात का बेस्ट बेकरी का केस मुंबई में ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर हो गया। हमें पूछा, हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो न्याय के पक्ष में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली बार था, हमें कोई इतराज भी होने का कारण नहीं था, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। हमने हाँ कहा। भाइयों बहनों, उसका जजमेंट भी आ गया, दोषियों को सजा भी हो गई, लेकिन सच अभी तक लोगों के सामने नहीं आया। मैं आज बताना चाहता हूं, ये सुनने के बाद यही लगेगा कि जैसे गुजरात पुलिस दोषी है, गुजरात दोषी है, गुजरात की सरकार दोषी है। सच्चाई क्या है? जो अदालत बड़ौदा में बैठती थी, जो अदालत गांधीनगर में बैठती थी, वो शिफ्ट कर करके मुंबई की कोर्ट के हवाले कर दिया। कौन बदला? न्यायाधीश बदला, कोर्ट बदली। लेकिन पुलिस कौन सी थी पूरे केस में? बाद में भी तो पुलिस गुजरात। चार्जशीट किसकी थी? तो गुजरात पुलिस की। विटनेस किसके थे? जो गुजरात पुलिस ने लाए थे वो ही। इन्वेस्टिगेशन गुजरात पुलिस का, चार्जशीट गुजरात पुलिस की, विटनेस गुजरात पुलिस के, सिर्फ जज और कोर्ट मुंबई की। और गुजरात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उन दोषियों को सजा हुई। मेरे दोस्तों बताइए, इसमें गुजरात पुलिस का कोई गुनाह है? क्या गुजरात पुलिस ने कुछ गलत किया है? क्या गुजरात सरकार ने कुछ गलत किया है? तो आपने न्याय किसके साथ किया? अगर आपने अन्याय किया तो उन जजिस के साथ किया है, उस अदालत के साथ किया है जिसको एक राज्य से दूसरे राज्य में। हम तो वहीं के वहीं थे। हम कागज अहमदाबाद की कोर्ट में देते, बड़ौदा की कोर्ट में देते, या मुंबई की कोर्ट में देते, सरकार और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तो वही है। उसके बाद भी हमें बदनाम किया जा रहा है।
लेकिन ये सच्चाई लिखने के लिए भी किसी में हिम्मत नहीं है और ये 24 घंटे वालों को ये सच्चाई दिखाने का भी साहस नहीं है। मैं दूसरी घटना कहना चाहता हूं, दूसरा एक केस दाहोद जिले का बिल्किस बानू का। उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रांसफर किया। इतना ही नहीं, ट्रांसफर तो किया, बाद में उसको सीबीआई को दिया। पहले गुजरात पुलिस ने जांच की थी, 3 साल बाद सीबीआई ने जांच की। पहले मामला गुजरात की अदालत में चलता था, बाद में मुंबई की अदालत में चला गया। हुआ क्या, गुजरात पुलिस की चार्जशीट वहां रखी गई, गुजरात पुलिस के विटनेसेस रखे गए, गुजरात के पास जो एविडेंस थे वो एविडेंस रखे गए, गुजरात पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था वो रखा गया। उसके बाद उस पर सीबीआई आई, उनको लगा कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने नई चार्जशीट रखी, कुछ नए लोगों को अरेस्ट किया, कुछ नए विटनेस खड़े किए, कुछ नए एविडेंस खड़े किए और सारा मामला मुंबई की कोर्ट में चला। जजमेंट आया, कुछ लोगों को सजा हो गई, कुछ लोग निर्दोष छूट गए और नतीजा क्या हुआ मालूम है दोस्तों? आपको जान करके सीना चौड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त, सीना चौड़ा हो जाएगा। घटना के एक ही सप्ताह के अंदर 2002 में गुजरात पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया था उसमें से एक को छोड़ करके बाकी सबको सजा दी। गुजरात पुलिस ने जो चार्जशीट रखी थी उसके कारण सजा हुई, जिस रात पुलिस ने जो विटनेस रखे थे उस विटनेस की बात काम आई, लेकिन बाद में सीबीआई ने आकर के जो जोड़ा था वो सारे के सारे निर्दोष छूट गए। नोट कीजिए दोस्तों, जिस केस के अंदर 2 चार्जशीट थी, एक गुजरात पुलिस की, दूसरी सीबीआई की, गुजरात पुलिस की जो चार्जशीट थी वो सबके सबको एक को छोड़कर के सजा हुई। जो सीबीआई ने खेल खेला था वो सारे के सारे लोग निर्दोष छूट गए। कोई मुझे बताए, आपने ये काम करके किसका भला किया? गुजरात की पुलिस सच निकली, गुजरात पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सच निकला, गुजरात पुलिस की कार्यवाही सही निकली, सीबीआई गलत निकली और आप मामला मुंबई ले गए, गुजरात की अदालतों को बदनाम किया, गुजरात की न्यायपालिका को बदनाम किया, गुजरात के न्यायाधीशों को बदनाम किया। ये खेल कब तक चला रहेगा? और एक सीबीआई वाले, कभी टीवी पर डिबेट होगा तो सामने वाले बताएंगे कि मोदी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट रखी थी उसमें एक को सजा हुई है। वो भी मैं बता दूं, एक को किसको सजा हुई है? एक पुलिस वाला जिसका ये काम था कि बिल्किस बानू के जो केस पेपर है उसको ट्रांसलेशन कराना अंग्रेजी में, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके सीबीआई को देना। अब ट्रांसलेशन में उसको 1-2 महीना देर हो गई, उस देर के कारण उसको सजा हुई है, बिल्किस बानू केस के कारण नहीं हुई और वो भी बड़ी मामूली सजा हुई। लेकिन कितना झूठ चलाया जाता है इन विषय पर मैं पहले कभी बोला नहीं हूं, लेकिन जब मुझे लग रहा है गुजरात के साथ वैसा बर्ताव हो रहा है जैसे हम हिंदुस्तान के बाहर किसी देश के लोग,